कक्षा 8 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 19 मिनी महात्मा के प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। ये आपका 19वां पाठ है मिनी महात्मा वाला, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है आप लोगों को इसमें पाठ में। तो पाठ 20 है मिनी महात्मा और ये लिखा हुआ है श्री आलम शाह खान जी द्वारा। तो पहले इसके थोड़ा सा देख लेते हैं तथ्यों पे। गांधी जी के इस कथन अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है को आत्मसात करती इस कहानी का मुख्य पात्र मोहन पुलिस अधिकारी की जाति का शांतिपूर्ण परंतु दृढ़ विरोध करता है। अपने निश्चय पर अटल मोहन के प्रतिकार के समक्ष पुलिस अधिकारी को अपनी गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त करनी पड़ी। प्रस्तुत कहानी न सिर्फ किशोर वय बालक की दृढ़ता और प्रतिकार की शक्ति को व्यक्त करती है, बल्कि यह कहानी संबंधों के सौहार्द को भी बनाए रखने का प्रयास करती है। कुछ इसके शब्दार्थ हैं। जिरह मतलब बहस होता है, पूछताछ होता है, फेरबदल कर बार बार एक ही प्रश्न को पूछना। हेठी मतलब अपमान है या प्रतिष्ठा में कमी या तौहीनी। मुंडेरो मतलब दीवार का वह ऊपरी भाग जो सबसे ऊपर की छत के चारों ओर कुछ कुछ उठा हुआ होता है। बिसुरना मन में दुख मानना, हेकड़ी डींग हाँकना, बढ़ चढ़ करके बातें करना, तनिक थोड़ा एल्ब और चपतिया झापड़ मारना या चपत लगाना, सलूक व्यवहार बर्ताव को कहते हैं, दिलासा तसल्ली ढांढस या सांत्वना को कहते हैं। चलिए देखते हैं पाठ के सारांश में क्या पाठ का सारांश कहता है। बात जरा सी थी पर मोहन था कि रोते चला जा रहा था। सभी लोग समझा रहे थे कि छोटों को बड़े इसी तरह पीटते चले आए हैं। पड़ोसी होने के नाते इंस्पेक्टर ने चांटे जड़ दिए तो क्या हो गया। सभी लोग समझाते समझाते थक गए तो सब अपना रास्ता तय करते गए, किंतु मोहन अब भी रोता रहा। शेर सिंह गरज कर कोतवाली में बंद करने की धमकी भी देते रहे, किंतु वह नहीं माना। शर्मा जी एवं वर्मा जी ने भी समझाने का प्रयास किया, किंतु वह रोते हुए वहीं बैठा रहा। मां ने भी तसल्ली दी, लेकिन वह था कि अपने जिद पर अड़ा रहा कि इंस्पेक्टर उसकी गलती बताए, जिसके लिए उन्होंने चांटे जड़े। मोहन इंस्पेक्टर के घर के सामने बैठ गया। उसकी बीवी ने प्रेम से समझाते हुए अंदर ले जाकर चुप कराने का प्रयास किया, पर वह न माना। वह शेर सिंह से अपनी गलती पूछता रहा। अब क्या था कि बीते भर का छोकरा थानेदार के घर सत्याग्रह पर बैठ गया। बीवी के कहने पर भी वह और गरम हो मोहन को डांटने लगा। तभी उधर से प्रभात फेरी आई, सभी बच्चे इकट्ठे हो गए। उस प्रभात फेरी में मोहन को भी जाना था। मोहल्ले भर के लोग वहां जमा हो गए। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और बाहर इंस्पेक्टर शेर सिंह को लेकर आए। बच्चों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, बच्चों अंकल आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। पुलिस अंकल बोले, बच्चों आज सुबह मुझसे जाति हो गई, मैं अत्याचार कर बैठा। गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया, मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनकर मोहन ने अंकल के चरण छुए और जोर से नारा लगाया, अंकल जिंदाबाद। वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था। मोहन को बिना गलती के इंस्पेक्टर शेर सिंह के द्वारा चांटा मारा, इसी बात पर मोहन रोए जा रहा था। प्रश्न है, जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, इस कथन में पुलिस वाला लिखने के पीछे लेखक का क्या भाव है। पुलिस वाला बोला, इस कथन में पुलिस वाला लिखने के पीछे लेखक का आशय उन पुलिस वालों के संदर्भ में है जो अपनी वर्दी के बल पर जाति करते हैं। सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था।
उत्तर है, सबके समझाने के बाद भी मोहन घर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वह जानना चाहता था कि अंकल ने उसे किस कसूर पर पीटा था या पीट दिया था। शेर सिंह की पत्नी ने लोगों से क्या और कैसे कहा? शेर सिंह की पत्नी ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर वहां से जाने को कहा। प्रश्न है, मोहन ने अपने व्यवहार में विरोध को शामिल कर साबित कर दिया कि अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना है, छत्तीसगढ़ कैसे? मोहन ने अपने विरोध को उस समय तक जारी रखा जब तक शेर सिंह ने अपनी जाति के लिए माफी नहीं मांगी। मोहन का मानना था कि यदि वे अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके उस किए गए गलत व्यवहार को बढ़ावा देना होगा। प्रश्न है, लड़का जिरह किए जाता है, कूड मगज है, इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? तो ये उत्तर है, मोहन को लोग सभी इस तरह से समझा चुके थे कि पुलिस अंकल बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में भी आते हैं, किंतु वह मानने को तैयार न था, इसलिए उसे जिद्दी व बुद्धिहीन कह रहे थे। इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया गया है। ऐसे चार वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। तो निम्न वाक्यों में उक्त भाव व्यक्त है। तो पहला है, रोता है, रोने दो, कब तक रोएगा, अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। नंबर दो, अरे बेटा बड़े हैं बाप बराबर, तनिक चपतिया दिया तो क्या हो गया, कौन तीर दान दिया, चुप भी हो जा अब। नंबर तीन, अब बोल बेटा क्या गजब हो गया, अगर इन्होंने एक आध लगा भी दी तो क्या हुआ, जैसे हमारी अमृत वैसा तू। नंबर चार है, बस बस रहने तो अपने भल मन साहत, यह ना चीज मुझे अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपमानित करना चाहता है। प्रश्न है, बाल मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी आगे से ऐसा सलूक ना करें बच्चों के साथ। लिखिए इस वाक्य में पहला है मैं किसके लिए आया है और ख उनसे किसके लिए आया है और ग है ऐसा सलूक कहकर किस सलूक की बात की गई है और घ है मान भी जा बेटे मैं कौन सा भाव दिया गया है। तो ये उत्तर है बच्चों, क है मैं मोहन की माँ के लिए आया है, ख उसने उनसे मतलब इंस्पेक्टर शेर सिंह के लिए आया है, ग ऐसा सलूक में बिना गलती के बच्चे न मारे की बात कही गई है और घ में है मान भी जा बेटे को मैं मातृत्व भाव व्यक्त किया गया है। कहानी में आए निम्नलिखित पात्रों के बारे में आपने जो राय बनाई हो उसे पत्रवार चार 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 पांच पंक्तियों में लिखिए। तो नंबर एक है शेर सिंह, नंबर दो है मोहन की माँ, नंबर ग है मोहन और नंबर घ है शेर सिंह की पत्नी। तो एक एक लेते हैं उत्तर को। तो पहले चलते हैं शेर सिंह पे ही पकड़ लेते हैं। शेर सिंह एक घमंडी पुलिस ऑफिसर है, उन्हें अपनी वर्दी का इतना घमंड है कि कतार तोड़ने पर मोहन के मना करने पर उसे चांटा मारा और अपनी गलती मानने को तैयार न थे। वे मोहन को धमका कर अपनी गलती छिपाना चाहते हैं, वे माफी मांगने में अपना अपमान समझते हैं। मोहन की माँ को भी देख लेते हैं। मोहन की माँ निष्कपट भाव लिए है, उनमें ममत्व भरा हुआ है, वे बहुत सरल और सहज महिला हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा बिना गलती के चांटा लगने के बावजूद वह उनका प्रतिरोध नहीं करती हैं, अपितु मोहन को समझाती हैं। अब आ गई बारी मोहन की। तो मोहन एक सिद्धांत प्रिय बालक है, वह गांधी जी के बताए मार्ग पर चलता है, वह पुलिस अधिकारी के रौब दिखाने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहता है।
वह अपनी बातें विनम्रता से कहता है। नंबर का है शेर सिंह की पत्नी। देखो ये भी क्या करती है, शेर सिंह की पत्नी बच्चे की जिद के सामने झुकना जानती है। बच्चे की भावनाओं की कद्र है उनमें बहुत हद तक। वह शेर सिंह को समझाती है कि मोहन से माफी मांग ले, बात और आगे ना बढ़ाए। प्रश्न है, फरीद बाबा ने पुलिस अंकल को क्या क्या कहा होगा जिससे सुनकर पुलिस अंकल अपनी गलती स्वीकार करने आ गए। उत्तर है, फरीद बाबा ने पुलिस अंकल को समझाया होगा कि मोहन सही है इसलिए अपनी बात पर अड़ा हुआ है, यदि उनसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में बड़प्पन है, तभी उन्होंने गलती स्वीकार की। प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर आपकी क्या राय है वो देना है। तो उत्तर है, ये इस कहानी में संदेश दिया गया है कि महापुरुषों के सिद्धांतों को केवल याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे आचरण में उतारते हुए उन सिद्धांतों को जीवन भर अपनाना चाहिए। इसके लिए भले ही कष्ट सहना पड़े, समाज का विरोध सहकर भी अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए, तब गलत व्यक्ति को सुधारा जा सकता है और गलती मानने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के भाववाचक संबंध बताइए। तो सबसे पहले ईमानदार, तो ईमानदार का क्या हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। बेईमान का क्या होगा, बेईमानी हो जाएगा। खराब का क्या होगा, खराबी हो जाएगा। सफेद का सफेदी, कमजोर का कमजोरी और चालाक का क्या हो जाएगा, चालाकी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये निम्न शब्द दो दो पदों के योग से बने हैं, उन पदों को अलग अलग करके लिखिए। तो सबसे पहले है महात्मा। महात्मा जो मिला है महा प्लस आत्मा से मिला है। धर्मात्मा, धर्मात्मा जो है धर्म प्लस आत्मा से मिला है। पुण्यात्मा, तो पुण्यात्मा किससे मिला है, पुण्य धन आत्मा से मिला है। और परमात्मा, ये परमात्मा है परम धन आत्मा से मिला हुआ है। पापात्मा, तो पापात्मा कैसे है, पाप धन आत्मा से मिली हुई है। इस तरह से इसको संधि कर देते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्टक में अंकित मूल क्रिया का सही रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहले है स्कूल की घंटी, मंदिर में घंटा और यहाँ बजाना है। तो इसका उत्तर है ये, स्कूल की घंटी बजी, यहाँ पे बजी आएगा, मंदिर में घंटा बजा आएगा, दोनों जगह थोड़ा सा अंतर आ जाएगा बजाने का शब्द। चलिए खा में देखते हैं, ये है हम गांधी जयंती मनाते हैं, ये देखो, और बच्चे बाल दिवस मनाएंगे, और यहाँ पे मनाना दिया हुआ है, मनाने के लिए दोनों चीजें आएंगी यहाँ पे। नंबर का में है फहराने को लेकर के चला है, प्रधानमंत्री प्रधान जी ने झंडा फहराया और अध्यापक ने डंडियां झंडियां क्या है फहराई हो गई। अब आगे अगला इसमें आता है आना, आने के लिए देखो क्या है, घर में भाई आया है और घर में बहन आई है। तो आया आई इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका अध्याय समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरे चैनल को देखने के लिए।